और अब बात इंडी गठबंधन की। तो इंडी गठबंधन की चौथी बैठक में उस नाम से पर्दा उठ गया जिसे प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी उस नाम पर फाइनल मुहर का इंतजार है। साथ ही सीट शेयरिंग से लेकर रैली को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है, और इस बात का भी जिक्र किया गया कि बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। मोदी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी दल एक छत के नीचे आ गए। कई घंटों तक बैठक चली, सीट शेयरिंग से लेकर चुनावी रैली तक पर बात हुई, और उस नाम का भी जिक्र हुआ जिसे नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। दावा किया जा रहा है कि विपक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इससे इनकार कर दिया। जो इंडिया गठबंधन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके, पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहां पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। दावा था कि इस बार की बैठक में सीटों पर फंसे पेच को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन कई प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की पकड़ के सामने कांग्रेस की अकड़ ढीली पड़ने लगी, और इस मीटिंग में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर फाइनल फैसला नहीं आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सपा 65 सीट पर लड़ना चाहती है। बिहार में नीतीश कुमार नेतृत्व की कोशिश में है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस में तनातनी है, और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खींचतान जारी है। यानी चेहरे तो सामने आ गए, वो भी कांग्रेस से। तो क्या यूपी में अब समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव मीटिंग के बाद भी पीडीए का नारा देते रहे और 80 सीटों पर जीत का दावा करते रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दरअसल अलग अलग चुनाव लड़ने का परिणाम इंडिया गठबंधन के सामने है, ऐसे में कोशिश अब सभी दलों को एकजुट करने की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकेंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग भी है। इंडिया गठबंधन माने भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों का ठग बंधन है, जिनके कुंडली में जेल योग लिखा है, अधिकतम जमानत पर हैं, वो राजयोग की तलाश में हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये घमंडिया गठबंधन का न कोई वर्तमान है न कोई भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के वर्तमान भी हैं और देश के भविष्य भी हैं, गरीब के वर्तमान हैं, गरीब के भविष्य हैं। यानी इंडिया गठबंधन के पास वक्त कम है, चुनौती ज्यादा, और इसी चुनौती को कम करने के लिए अब साझा रैली करने का प्लान तैयार हुआ है, और दावा किया जा रहा है कि हिंदी बेल्ट से लेकर दक्षिण तक सभी एक साथ रैली करेंगे और बीजेपी के खिलाफ माहौल तैयार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे पर रिकॉर्ड तोड़ निलंबन हुआ है, जिसके बाद संसद के बाहर से तो तस्वीर सामने आई है, वो किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि टीएमसी सांसद कल्याण बानर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे, जिस पर जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष की हरकत पर निशाना साधा। मुद्दा संसद में चूक का था और गुस्सा सड़क से सदन के अंदर तक। विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे थे और स्पीकर एक एक कर विपक्षी सांसद को निलंबित करते रहे, और एक वक्त ऐसा आया जब लोकसभा से 95 जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और फिर जो तस्वीर सदन के बाहर से आई वो किसी को भी हैरान परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि निलंबित सांसद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन
जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाने लगे और उनकी मिमिक्री करने लगे। हैरानी की बात तो ये है कि टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे, जिस पर उपराष्ट्रपति ने आपत्ति जताई। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूं सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। सांसदों के निलंबन पर विपक्ष लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी संसद में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों के लिए बड़ी बात कह दी और कहा कि निलंबन से जो सीटें खाली हुई हैं, वो 2024 के बाद बीजेपी सांसदों से भर जाएंगी। पार्लियामेंट इंसिडेंट के बारे में उन्होंने कहा, जो कुछ भी जो भी व्यक्ति डेमोक्रेसी में प्रजाप्रभुत्व में उनका विश्वास है, इसको घोर खंडन करना था, हम सब मिलकर उसको खंडन करना था, लेकिन कुछ पार्टियां जो अभी 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 हुए चुनाव का नतीजे से निराश होके हताश होके तो इसके बारे में एक तरह इसके समर्थन का भाषा जो उपयोग कर रहे हैं, ये तो इट इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। तो वहीं सांसदों के निलंबन को भी विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी स्पीकर के एक्शन से टेंशन में है और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की। लगभग राज्यसभा और लोकसभा को मिला के 80 से ज्यादा MP सस्पेंड हुए हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक डेमोक्रेसी सेटअप के लिए। जो वातावरण अब हम देख रहे हैं, जब हम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं संसद में, तो मैं समझती हूँ कि यह टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट ने इतने सारे MPs को सस्पेंड किया, इट इज द अल्टीमेटली द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब साफ है, सदन में हंगामा तो झांकी है, अभी चुनाव में कुछ महीने बाकी है। तब तक कितने रंग दिखेंगे, कितने विवाद होंगे, कितने वीडियो बनेंगे, कितने रिकॉर्ड बनेंगे, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सभापति जी,